आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मुझे निकालेगी और घर ले चले जाएगी। तो कैसे हो यारो, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी फीवर में। और आज जिस डुप्लीकेट सुपरस्टार का वीडियो मैं लेके आया हूँ ना, वो मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि वो जिस एक्टर की एक्टिंग करते हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं, जिनका वो मिमिक्री करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं ये हमारे डुप्लीकेट सुपरस्टार। तो पहले इनका वीडियो देखते हैं। तू किसी का भी नाम अपने हाथ पे लिखेगा तो क्या वो तेरी हो जाएगी? इंडिया के कौन से कानून में लिखा है कि गीता का नाम तो हाथ पे लिखने से गीता तेरी हो जाएगी? बता, गीता मुझसे प्यार करती है, मुझसे ही शादी करेगी। वाओ, व्हाट लॉजिक मैन। लक्ष्मी को गर्लफ्रेंड बनाने के बाद पता चला कि 100 रुपए के ऊपर की चॉकलेट आती है। बाप रे बाप। दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी। अरे मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। तो दोस्तों, लोग इन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो है तीर्थानंद राव। ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं। बहुत सी पिक्चरों में काम कर चुके हैं, बहुत से शोज़ कर चुके हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा कॉमेडी शो कर चुके हैं देश विदेश में। और हमारे जाने माने शो कपिल शर्मा के शो में ये 10 एपिसोड भी कर चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इनके शोज़ भी देख सकते हैं। अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं लड़कों को पटाने का जाल होते हैं। अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं लड़कों को पटाने का जाल होते। कितना बार खून पिया होगा इन्होंने, इसके लिए इनके होठ हमेशा लाल होते। इश्क की सर्दी में मैं बीमार हो गया, मुझको भी मोहब्बत का बुखार हो गया। अब तो तेरा दीदार ही दवा है मेरी, तेरे सामने कैप्सूल इंजेक्शन सब बेकार हो गया। तेरे इश्क की सर्दी में मैं बीमार हो गया, तेरे इश्क की सर्दी में मैं। सो गाइस, जो आज के हमारे डुप्लीकेट सुपरस्टार हैं नाना पाटेकर के, बहुत बड़े फ़ैन हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जिस शहर से आते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ हमारे गोविंदा सर भी वहीं से बिलोंग करते हैं जी। हमारे जो तीर्थानंद राव जी हैं वो रहते हैं बॉम्बे के विरार शहर में। और अब बात करते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, इनका बचपन बेहद ही कठिनाइयों से बीता, लेकिन उसके बावजूद ये अपने जो पैशन है, जो अपनी एक्टिंग का जो ड्रीम है, उसे बराबर फॉलो करते रहे। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमें एक कविता पढ़ाई जाती थी, उसका मुझे लास्ट लाइन अभी तक याद है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये लास्ट लाइन इन पर बिल्कुल सूट करती है, क्योंकि गाइज इतनी मतलब कठिनाइयाँ होने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद, इन्होंने अपने पैशन को, अपने एक्टिंग करियर को बराबर चालू रखा और मेहनत करते रहे। और आज इस मुकाम पर हैं कि दूसरे स्टार्स, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके साथ ये काम कर चुके हैं। और बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस, जो बहुत सी अलग अलग भाषाओं की पिक्चर है, लगभग 10 से ज़्यादा फिल्मों में ये अपना योगदान दे चुके हैं। देख बेबी, फोटो मेरी अच्छी है, सोच मेरी सच्ची है, लेकिन अब भी मैं तुझे पसंद नहीं आया तो स्वीट हार्ट, अभी तो तू सच्ची में बहुत बड़ी छोटी बच्ची है। आप बता, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? गढ़वाली। कैसे? हफ्ते में 3 या 4 बार तो मना नहीं पड़ता है। तेरे पास नहीं है तुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो मना नहीं पड़ता गढ़वाली को। महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कर दी है, अब वक्त आ गया है कि हर पुरुषों को ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए, ताकि हर महिला की असली सूरत सामने आ जाए। एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है, खटमल पूरी रात को अपच कर देता है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका बिगदान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का बिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है, देश के लोगों में सभ्यता की भावना। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सुपरस्टार। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग स्टाइल था इनका। नाना पाटेकर का जो वॉइस है वो बहुत ही कम लोग निकाल पाते हैं, साथ ही साथ उनकी एक्टिंग भी करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने बखूबी अपना काम करते हैं और निभाते हैं अपने कैरेक्टर को।
लोग ये भी सोचते हैं कि जो डुप्लीकेट सुपरस्टार्स होते हैं वो सिर्फ एक एक करेक्टर पर जो जिसका जो फॉलो करते हैं उसी का ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साबित कर चुके हैं हमारे तीर्थानंद राव, बहुत अलग अलग करेक्टर, बहुत अलग अलग रोल्स करके इन्होंने दिखा दिया है कि मैं जो हूँ वो एक्टिंग में अलग लेवल पर हूँ और कुछ भी मुझे रोल दे दिया जाए मैं आराम से कर सकता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कोई सीरियस रोल हो या फिर कुछ भी हो, वो आराम से निभाते हैं उस रोल को। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले संडे, तब तक के लिए बाय। और अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरी इस लिस्ट में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे डुप्लीकेट सुपरस्टार्स के, तो जो पसंद आए करिश्मा, सलमान, शाहरुख, अक्षय या फिर ऋतिक रोशन, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब स्टार्स हैं यहाँ में, और यहाँ आप आराम से उनकी वीडियोस देख सकते हो। बाय। यार तुम झूठे आंसू ना बहाओ, बेवफाइयां तो तुम लड़कियां करती हो और बेवफा हम लड़कों को बोलती हो। ना 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 ना, चल जूती कहेगी।